हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के एक्सेल के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लुकअप। लुकअप होता क्या है बेसिकली? तो लुकअप का हम यूज करते हैं लुकअप वैल्यू इन वन कॉलम रेंज, बेसिकली एक कॉलम रेंज के अंदर की वैल्यू को सर्च करने के। जैसे कि मेरे पास ये लिस्ट पड़ा हुआ है, इसमें से किसी भी एक कॉलम रेंज के बेसिकली या किसी एक रो को डाटा को या किसी भी एक यूजर के डाटा को हमको फाइंड करना है तो हम लगाएंगे लुकअप फार्मूला। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसके डिजाइन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट किया, मेरे पास इतने स्टूडेंट है तो इसको मैं क्या किया, इसके डिजाइन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दिया, इसके अलाइनमेंट को थोड़ा। इसके बाद हमारा बेसिकली लुकअप का फॉर्मूला का सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली इज इक्वल टू लुकअप और लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू टू बी सर्च, बेसिकली कौन सी वैल्यू को हमको सर्च करना है इस प्रोडक्ट में। जैसे कि लुकअप का यूज जो किया जाता है, अगर मेरे पास जैसे कि हजारों रिकॉर्ड है या 10,000 रिकॉर्ड है, उसमें से क्या करना है, अगर हमको डाटा किसी एक यूजर का डाटा फिल्टर करना है तो उसके लिए हम लगाते हैं लुकअप। लुकअप वेक्टर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लुकअप वेक्टर बेसिकली वन वन रो हो सकता है, वन कॉलम हो सकता है, रेंज सर्च, बेसिकली हम किसमें से डाटा को सर्च करना है, बेसिकली इंटायर टेबल को भी हम सप्लाई कर सकते हैं। फिर रिजल्ट वेक्टर क्या होता है, जहां पर कौन से बेसिकली कॉलम में से डाटा को फाइंड करना है, वो रिजल्ट वेक्टर हमारा हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से लुकअप में से अगर मैं यहाँ बात करूं, जे यहाँ से मुझे क्या करना है, ये राहुल का अगर रिकॉर्ड फाइंड करना है, राहुल का अगर डाटा अगर हमको फाइंड करना है, ये राहुल की सैलरी कितनी है और कौन से सिटी से है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, लुकअप लुकअप फार्मूला के लिए इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमको और इसका सॉर्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक के डाटा को मैं सिलेक्ट किया और यहाँ से सोर्स एंड फिल्टर पर क्लिक किया, सॉर्ट ए से जेड के फॉर्मेट, बेसिकली मैंने इसको क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लुकअप का फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू लुकअप। लुकअप हम जैसे लिखेंगे, हमको यहाँ पर दो तरह के फॉर्मूले दिखाएगा। एक फॉर्मूला में बेसिकली हमारे पास जो सिंटेक्स हमने लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर, और दूसरा है जो लुकअप वैल्यू और एरे, दोनों तरह के फॉर्मूले को हम यूज करके देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या करा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है, वह वैल्यू जिसको हमको सर्च करना है, किसको सर्च करना है, राहुल को सर्च करना है इसके अंदर। फिर मैं इसको कोमा लगाता हूँ। अब कर रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर क्या होता है, कहां से हमको वैल्यू को सर्च करना है, हमको इस डेटाबेस में से हमको क्या करना है, राहुल को ढूंढना है। फिर हम इसमें कोमा लगाएंगे। रिजल्ट वेक्टर क्या निकालना है, इसकी सैलरी निकालनी है, बेसिकली राहुल की सैलरी कितनी निकालनी है। यहाँ से सैलरी वाले पर क्लिक करूंगा और शिफ्ट दबा के लास्ट कॉलम पर मैं क्लिक करूंगा तो राहुल के सैलरी वाला कॉलम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इंटर क्लिक करेंगे। तो राहुल की सैलरी कितनी आ गई, 14,000। हम यहाँ पर देख सकते हैं राहुल की सैलरी 14,000 है। अगर उसी तरह से राहुल का अगर सिटी निकालना है तो सेम हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, इक्वल टू लुकअप। और इसमें हम क्या करेंगे, ये बेसिकली किसको सर्च करना है, राहुल को सर्च करना है। कहाँ से सर्च करना है बेसिकली, तो हमको बेसिकली इस डेटाबेस से सर्च करना है। फिर कॉमा लगाऊंगा और क्या सर्च करना है, सिटी सर्च करना है। तो यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को मैं सिलेक्ट किया, हमको सिटी ये सर्च करके दे दिया। अब यहाँ पर मैं किसी का भी नाम लिखूं इस लिस्ट में से, जैसे मोहित लिखता हूँ, जैसे ही मोहित लिखूंगा तो मोहित का हमको डिटेल दिखा दिया, मोहित का सैलरी कितना है यहाँ पर, 12,000 है। कहाँ से, पुणे से है। उसी तरह से मैं किसी भी यूजर को मैं सर्च करूं, जैसे कि मुझे इसमें से सर्च करना है खुशी का, तो यहाँ पर लिखता हूँ KHUSHI खुशी, और जैसे टैग कर रहा हूँ खुशी का, बेसिकली क्या 19,000 है जयपुर से बेसिकली। तो ये बेसिकली हमारा लुकअप फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज हम एक तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे दूसरे सीट पर, बेसिकली इस सीट पर, सीट फोर पर, क्या करना है, हमको इसका रिजल्ट को फाइंड करना है। तो सीट फोर पर मैं क्या करता हूँ, अपना फॉर्मेट यहाँ पर डिजाइन कर लेता हूँ। सीट फोर पर मैंने क्या किया, फॉर्मेट डिजाइन कर लिया। अब सीट फोर पर मुझे क्या करना है, जो खुशी का सैलरी निकालना है और उसका सिटी निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास लुकअप फॉर्मूला ही होता है। इसको तो लुकअप लिखूंगा मैं यहाँ पर, और लुकअप लिखने के बाद हमको किसको ढूंढना है, तो यहाँ से हम खुशी को सिलेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली। अब कहाँ से सिलेक्ट करना है, लुकअप फैक्टर बेसिकली कौन से डाटाबेस से सिलेक्ट करना है, कहाँ से, तो मैं यहाँ सीट वन पर आता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक के वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, और देन सीट फोर पर जाता हूँ और यहाँ से फिर से मैं क्या करता हूँ, कोमा लगाता हूँ और फिर से आपके पास मुझे क्या करना है, लुकअप वेक्टर रिजल्ट को सर्च करना है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, इसको और यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर सीट फोर पर आता हूँ और यहाँ पर जो फोर है इसको हमको करना है सीट वन पर कन्वर्ट कर देना है।
यहाँ सीट वन कन्वर्ट करके इंटर करूंगा तो हमको क्या करेगा, ये बेसिकली दे देगा रिजल्ट हमको। बेसिकली हमारा सीट वन नहीं है, इस सीट का नाम क्या है, लुकअप मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ सीट वन के जगह पर मैं सीट का नाम यहाँ सप्लाई कर दूंगा, जैसे LOOKUP, ये सीट का नाम है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीट का नाम है ये। यहाँ पर सीट वन के जगह पर बेसिकली हमें लुकअप कर दूंगा और इंटर दाबूंगा तो हमको क्या करेगा, ये इसका जयपुर बेसिकली क्या है, सिटी उठा के दे दिया। अगर सैलरी इंडिया ना है तो बेसिकली सैलरी हमारे अकाउंट से बी वाले इंडेक्स में है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले सैलरी कंबाइंड कर 19,000 है, यहाँ पर बी वाले सेल में हमारा सैलरी है, तो खुशी का सैलरी कितना है, 90,000 है। उसी तरह से अगर इसका सिटी निकालना है तो हमारा सेम फॉर्मूला होगा लुकअप। लुकअप के बाद हम क्या करते हैं, किसका फाइंड करना है, खुशी का फाइंड करना है, फिर यहाँ से कोमा लगाऊंगा। कहाँ से उठाना है, बेसिकली ये सीट से उठाना है, तो यहाँ से मैं अपना डाटाबेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और देन मैं सीट फोर पर गया, फिर मैं इसको कोमा किया और यहाँ से क्या उठाना है, उसकी सिटी को उठाना है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक मैं सिटी को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर सीट फोर पर आऊंगा। अब मेरे सीट का क्या नाम है, इस सीट का मैंने नाम चेंज करके रिनेम करके लुकअप कर दिया हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ सीट फोर के जगह पर उस सीट का नाम मैं दे दूंगा। यहाँ पर ये सीट का नाम मैं दे दिया और इसको बेसिकली इस सीट के नाम को हमको यहाँ सीट फोर जहाँ भी होगा वहां पर मुझे चेंज करना होगा और देर में इंटर करूंगा तो मुझे उसका का सिटी भी निकाल के दे देगा। और यहाँ से किसी और का हमको देखना है, जैसे जी अगर हमको मीनल का देखना है तो मीनल का बेसिकली हम क्या करेंगे, नाम टाइप करेंगे हम खुशी की जगह पर MEEN और टैप दाबूंगा तो मीनल 18,000 बेसिकली सैलरी 18,000 कहाँ से है, लखनऊ से। यहाँ देखिए मीनल 18,000 लखनऊ की है बेसिकली। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ लुकअप। अगर मुझे इस फॉर्मूला को दूसरे तरीका से लगाना है, जैसे कि अगर बात करूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ LOOKUPDB के नाम से। LOOKUPDB के नाम से मैं इसको सेव कर, अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक एक्सेल शीट लेता हूँ। यहां से मैं एक ब्लैंक एक्सेल शीट लेता हूँ, इसको कम करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस बेसिकली इस शीट पर डाटा है मेरा, यहाँ पर इस डाटा से मुझे इस वर्क बुक पर, बेसिकली इस वर्क फर्स्ट वर्क बुक पर है और सेकेंड वर्क बुक पर मुझे क्या करना है, डेटा को फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पर नाम है, सैलरी है, तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर इनका डिटेल हमको निकालना है लुकअप फॉर्मूला के द्वारा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ले लेता हूँ नाम, यहाँ पर मैं बदल लेता हूँ, यहाँ पर नाम दे देता हूँ ARJUN ले लेता हूँ। और अर्जुन का बेसिकली क्या करना है, अगर हमको सैलरी फाइंड करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा लुकअप। लुकअप लगाते ही बेसिकली हमारा क्या, कौन सी वैल्यू को देखना है, अर्जुन को सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है, कौन से टेबल से, तो मैं यहाँ पर आऊंगा इस सीट के ऊपर और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं कोमा लगाऊंगा। अब इसमें से कौन सी वैल्यू उठाना है, बेसिकली हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बेसिकली क्या कर रहा है जी, तो फिर हमको क्या करना है सैलरी उठाना, तो सैलरी को ऊपर से नीचे तक मैं सेलेक्ट करूंगा और इंटर डालूंगा, हमको कहेगा अर्जुन का सैलरी दे दिया। उसी तरह से अगर बात करें उसका सिटी निकालना है तो यहाँ पर लिखूंगा लुकअप और लुकअप लिखने के बाद हमको क्या करना है, किसका निकालना है, अर्जुन का निकालना है, फिर मैं यहाँ से कोमा लगाऊंगा और देन मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट करूंगा, फिर से कोमा लगाऊंगा, सिटी निकालना है तो यहाँ से मैं सिटी को पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा और इंटर डाल दूंगा। इसका सिटी आ गया जयपुर, यहाँ पर देख लेते हैं अर्जुन का सिटी क्या है, अर्जुन का सिटी क्या है, जयपुर है। उसी तरह से अगर हेमंत को यहाँ टाइप करूँ तो हेमंत का क्या करेगा, हमको डिटेल यहाँ पर दे देगा। जैसे मैं टैप डाउन हेमंत 12,000 दिल्ली से है बेसिकली, यहाँ पर देख लेते हैं हेमंत कितनी सैलरी है, 12,000 है, तो कहाँ से है वो, दिल्ली से है। तो ये बेसिकली लुकअप फार्मूला होता है। इसके अलावा लुकअप में एक और चीज हम लगाते हैं फार्मूला में, जैसे कि हम आपको खाली यहाँ पर नेम और सैलरी ही खाली फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दूसरा वाला जो फार्मूला था बेसिकली, अगर खुशी की ही लेता हूँ मुझे सैलरी निकालना है तो दूसरा वाला फार्मूला से यहाँ पर लुकअप लेते ही बेसिकली हमारा सेकंड फार्मूला क्या, लुकअप वैल्यू और एरे। यहाँ से क्या करता हूँ, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कोमा लगाता हूँ, एरे बेसिकली सिटी लेना हो, सैलरी लेना है, यहाँ तक सैलरी तक के मैं सेल को सेलेक्ट करूंगा, हम क्या करें सैलरी दे दिया। फिर अगर मुझे उसका सिटी भी निकालना है तो सिटी निकालने के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पर लुकअप, लुकअप जैसे ही मैं लिखा किसका निकालना है, खुशी का निकालना है, यहाँ कोमा लगाया, फिर से मैं क्या करता हूँ इस पूरी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ, हमको उसका सिटी निकाल के दे दिया। तो ये बेसिकली एक्सेल के अंदर होता है हमारा लुकअप फॉर्मूला।